जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम, आप देख रहे हैं माय उस्ताद चैनल। आज की जो हमारी क्लास है वो क्या है, यानी कि व्हाट इज अ साइन स्टेटमेंट। ओके, यानी कि आज के सेशंस के अंदर हमने डिस्कस की करना है कि स्टूडेंट्स हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है। असाइनमेंट स्टेटमेंट बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसका काम क्या होता है कि हमारे वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना, यानी कि वैल्यू देना, उसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट। फर्ज किया अभी स्टूडेंट्स हमने क्या लिखा, ए, क्या कहा है, ए। अब इस ए में क्या है, किसी भी किस्म की कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम यू लिखें ए इक्वल है 10, ओके, क्या कहा है, ए इक्वल है 10 के। तो बेसिकली इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि बेसिकली ये जो ए है, यहां पर ये जो ए आपको दिखाई दे रहा है, इस ए को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या कहा है स्टूडेंट्स, ये अब हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, यानी कि स्टूडेंट्स ये जो इक्वल का साइन है, इस इक्वल के साइन को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये जो 10 है, 10 स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास क्या है, एक वैल्यू है। क्या है, एक वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहां पर देखें जो हमने स्टेटमेंट लिखी है A इक्वल 10, ये जो 10 है ये स्टूडेंट्स कहां पे आ रहा है, A में। ओके, यानी कि पहले हमने एक वेरिएबल लिया A, फर्ज किया इस A के अंदर कोई वैल्यू नहीं थी, फिर हमने क्या कहा, A इक्वल 10, यानी कि ये जो A है, A में आप स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया है, 10। बेसिकली इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसका काम क्या होता है, हमारे वेरिएबल को वैल्यू देना, हमारे वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली हमारे वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहा है। ऐसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट। ओके, देखिए दिया स्टूडेंट्स, जो हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट है, ये क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करती है वैल्यू वेरिएबल को देने के लिए। क्या कहा है कि जो हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है, ये क्या है कि ये एक ऑपरेटर को यूज करती है, उस ऑपरेटर का नाम क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, ऐसा ऑपरेटर है जो क्या है कि जो हमारे वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है, उस ऑपरेटर को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास इक्वल का साइन है, इस इक्वल के साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। राइट, अब ये जो हमारे पास इक्वल का साइन है, इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। फर्ज किया डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पर एक आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देने लगा हूं, तो प्लीज वो आपने समझ लेना है। राइट, फर्ज किया देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर ये आप लोग डबल इक्वल का साइन लगा देते हैं, ओके, इस डबल इक्वल के साइन का मतलब क्या है कि फर्ज किया हमारे पास दो वेरिएबल हैं ए और बी। ओके, यानी कि ये क्या है, हमारे पास दोनों वेरिएबल है। अगर आप यहां पर क्या है कि इसको इक्वल करना चाहते हैं, तो आप स्टूडेंट्स इसको इक्वल कैसे करेंगे, आपने इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखना ए इक्वल है बी के। ओके, ये स्टूडेंट्स अब इक्वल नहीं है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका काम क्या है कि वैल्यू को असाइन कर देना, यानी कि जो कुछ बी में था इसने असाइन कहां पे कर दिया, ए में कर दिया। ये अब इक्वल नहीं हुए। जब आपने दो वेरिएबल को इक्वल करना है, तो उस वक्त स्टूडेंट्स जरूरी है कि आपने यहां पर इस तरह का डबल इक्वल का साइन यूज करना है। डबल इक्वल से मुराद क्या है कि अब ए और बी बराबर है। फर्ज किया देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये कहा ए बराबर है बी के। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि जो कुछ ए में है वही कुछ कहां पे है, बी में है। यानी कि ए और बी दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, आपस में सेम है। यानी कि ए बराबर है 2 और क्या है, बी बराबर है 2। ओके, यानी कि इन दोनों की वैल्यू क्या है, 2 2 है। जब हमारे पास
दो वेरिएबल आपने इक्वल करने हो तो आपने याद रखना है डियर स्टूडेंट्स कि उस वक्त क्या है कि आपने इक्वल का साइन यूज करना है, डबल इक्वल का, सिंगल का यूज नहीं करना। अगर आपने सिंगल का यूज कर लिया तो जो कुछ बी में होगा ये उसको भी उठाकर ए में डाल देगा। ओके, इसको बेसिकली आप लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट बोलते हैं। मैंने आपको यहां पर एक ये भी कंसेप्ट दे दिया है। ओके, अब स्टूडेंट्स यहां पर इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट समझने वाला है वो ये है कि हमेशा जो हमारे पास वेरिएबल होता है वो क्या होता है कि वो इक्वल साइन के लेफ्ट साइड के ऊपर आता है, और जो हमारे पास वैल्यू होती है कॉन्स्टेंट होता है वो क्या होता है कि वो हमेशा इक्वल साइड के, वो हमेशा जो हमारे पास इक्वल का साइन होता है उसकी राइट साइड पे आता है। फर्ज किया स्टूडेंट्स, अभी हमने यहां पर क्या कहा कि ए इक्वल है 5। ओके, अगर आप यहां पर देखें ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, इक्वल का साइन है। क्या है? इक्वल का साइन है। अगर आप इस इक्वल की साइड साइन की बाएं साइड पर देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, वेरिएबल। अगर आप इस इक्वल की दाएं साइड पर देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट, या क्या आ रहा है, वैल्यू। ओके, जो वैल्यू है, जो हमारे पास नंबर है, ये हमेशा क्या है कि इस इक्वल ऑपरेटर यानी कि क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर कि क्या है कि हमेशा राइट साइड पे आता है, जो वेरिएबल है वो हमेशा क्या है, लेफ्ट साइड के ऊपर आता है। ओके, ये जो ए है, ए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, और ये 5 है, 5 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, वैल्यू है। इस 5 की जगह पर वैल्यू जो भी होगी, चाहे वो पॉइंट वाली है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो पॉजिटिव है, वो हमेशा क्या है, इस इक्वल की दाएं साइड पे आएगी। जो वेरिएबल है वो क्या है, हमेशा इक्वल की बाएं साइड पे आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है वो क्या है, वो ये है, उस पॉइंट्स को आपने बड़ी अच्छी तरह याद करना है कि जो वैल्यू आपने जिस वेरिएबल में असाइन करनी है। ओके, फर्ज किया स्टूडेंट्स हम ये चाहते हैं कि ए इक्वल है 2 के और बी इक्वल है 5 के। ओके, अब हम ये स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि जो हमारे पास इस ए की वैल्यू है ये कहां पे आ जाए, बी में आ जाए, तो आप क्या लिखेंगे, बी इक्वल है ए। ओके, यानी कि जो कुछ ए में है वो कहां पे आ जाए, बी में आ जाए। तो बेसिकली इस पॉइंट मेरे समझाने का मतलब ये है कि जिस वेरिएबल में आपने वैल्यू स्टोर करनी है, जिस वेरिएबल में आपने वैल्यू स्टोर करनी है वो इस इक्वल की बाएं साइड पे होना चाहिए, और जो आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जो आप वैल्यू दे रहे हैं वो इस इक्वल की क्या होनी चाहिए, राइट साइड पे होनी चाहिए। ओके, बहुत सिंपल हमारा आज की क्लास थी, असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है। तो आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आपको असाइनमेंट स्टेटमेंट के बारे में किसी भी किस्म की कोई क्यूरी नहीं होगी। अगर फिर भी प्लीज आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी है, कहीं से आपको किसी बात की समझ नहीं आई, तो प्लीज आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। इंशाल्लाह माई उस्ताद चैनल्स का ये वादा है, माई उस्ताद चैनल्स का ये आपके साथ प्रॉमिस है कि इंशाल्लाह 24 आवर से पहले पहले आपको रिप्लाई किया जाएगा। ओके।